देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। इसके साथ साथ जनजीवन भी तेजी से सामान्य हो रहा है। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या के साथ ही मृत्यु दर में भी भारी कमी आई है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 9 नए मरीजों की पुष्टि हुई। इसी अवधि में 4 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। प्रदेश में अब तक 687,015 प्रदेशवासी कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव कोविड केस की संख्या 123 रह गई है। बीते 24 घंटे में 139,654 सैंपल की टेस्टिंग की गई है। वहीं अब तक 8,15,22,640 सैंपल की कोविड जांच की जा चुकी है। यूपी में पॉजिटिव दर 0.01% से भी कम हो गई है और रिकवरी दर 98.7% है। इतने लोगों को मिल चुका है टीका कवर। ताजा आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 11,82,32,000 से अधिक कोविड वैक्सीन डोज लगाए जा चुके हैं। 9,23,00,000 लोगों को पहली डोज मिल चुकी है, जबकि 2,58,00,000 से अधिक लोगों ने टीका की दोनों डोज प्राप्त कर ली है। कोविड टीकाकरण के लिए पात्र 17.53% से अधिक लोग पूरी तरह कोविड टीकाकरण प्राप्त कर चुकी है। 62.67% लोगों ने कम से कम एक डोज लगवा ली है। 42 जिलों में एक भी एक्टिव केस नहीं है। प्रदेश के 42 जनपदों में आज एक भी पॉजिटिव केस नहीं है, जबकि 17 जिले में एक एक एक्टिव केस ही शेष है। अरमोहा, अयोध्या, बदायूं, बागपत, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, बहराइच, बिजनौर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फारुखाबाद, फतेहपुर, गोंडा, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जौनपुर, झांसी, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासजंग, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महोबा, मिर्जापुर, मैनपुरी, मऊ, प्रतापगढ़, रामपुर, संकटवीर नगर, शामली, श्रावस्ती, सीतापुर, उन्नाव और सोनभद्र में कोविड का एक भी मरीज शेष नहीं है। ये सभी जनपद आज कोविड संक्रमण से मुक्त है। कोविड से जुड़े हर न्यूज अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन प्रेस करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले न्यूज अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।